तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ऊपर ऊपर ये जो सयन का पेड़ है फला हुआ है, और ये पूरा डाली जो दिख रहा है, ये देखिए कटा हुआ डाली आपको दिखा रही हूँ मैं, ये पूरा डाली फरा हुआ था लेकिन ये अभी कट गया है क्योंकि इसको तोड़ तोड़ के बाजार में सेल हो गया है। और ऊपर अभी कुछ टहनियाँ हैं तो ऊपर से हम कुछ ड्रम स्टिक तोड़ेंगे और उसे घर ले चल के बनाते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ऐसा होता है सयन का पेड़ और इसमें बहुत सारा ड्रम स्टिक आते हैं और तो इसमें बहुत सारा सयन आता है और सभी के घरों में इसका सब्जी बनता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो आज मैं भी तोड़वा के लेके चलूंगी घर। हाँ तो देखिए यहाँ पे सयन तोड़ रहे हैं हमारे चाचा जी लगेंगे। हाँ ना चाचा तो है भाई, अच्छा तो भैया जी लगेंगे तोड़ रहे हैं हमारे लिए सयन, तोड़ के फिर मेरे को देंगे तो हम घर लेके चलेंगे। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर फला हुआ है। मछली के साथ तो ये मछली के साथ बहुत ही टेस्टी बनता है, वही बोल रहे हैं भैया जी कि मछली के साथ बनाएंगे इसीलिए रखे थे थोड़ा सा, पर मैं देखी ना बहुत ही अच्छा फला, बस हो जाएगा हमारा काम। तो दोस्तों मैं इसका पेड़ भी आपको दिखाई और इसको तोड़ के भी दिखाई, अब ले चलती हूँ घर और फिर इसे हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं हमारे यहाँ वो मैं बताऊंगी। तो लेके चलती हूँ, ये डाली भी ले ली हूँ, खेतों में लगा दूंगी अगर लग जाएगा तो लग जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनीता जी के किचन में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है सयन का सब्जी, तो सयन हम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे ये कैसे हमारे यहाँ गांव में बनता है। तो चलिए फटाफट हम सयन को काटेंगे, मसाला पीसेंगे, जल्दी से चूल्हा जला के बनाएंगे। तो आइए तो सयन लेके आ गए हैं, देखिए सयन कितना बढ़िया ताजा ताजा है पेड़ का। अब इसको कैसे काटना है देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ना हम लोग फसल से भी काट लेते हैं, तो इस तरीके से काटेंगे तो थोड़ा बचा के रखेंगे, इसका रेशा ना आसानी से निकल जाता है, ये देख रहे हैं। तो इस तरीके से रेशा हम निकाल लेते हैं, ये देखिए। ये जो बचा हुआ है इसका छिलका, उसको हम लोग देखिए ऐसे ना चाकू वगैरह से इस तरीके से छील के और निकाल लेते हैं, और बहुत ही आसानी से निकल जाता है, ये ताजा है ना तो बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे किस चीज का आवाज आ रहा है खर खर खर, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे घर में ना अभी काम चल रहा है, और अगर आप लोग हमारा ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का नाम है अनीता जी का दुनिया, उस पर रोज वीडियो डालती हूँ एक, और यहाँ पे ना थोड़ा नहीं बना पा रही हूँ वीडियो क्योंकि काम चल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों से एक और बात बतानी है, क्योंकि हमारे दुनिया पे अभी 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के प्लीज जाके वहाँ पे सब्सक्राइब करके 5 लाख कर दीजिए ना, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और मैं रोजाना कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ अच्छा रेसिपी आप लोगों को दूँ, और बस कोशिश यही है, बने रही है, मैं कोशिश करती हूँ कि एक से एक बढ़ के रेसिपी ले आऊँ। तो काम चल ही रहा है घर में, इधर हम रेसिपी शूट कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी काट लेती हूँ। तो हम लोग तो दोस्तों देखिए दे धड़ाधड़ काट लेते हैं अपना, अब देखते हैं ना ताव, क्योंकि जल्दी बनाना होता है और आप लोगों को दिखाना था इसलिए धीरे धीरे काट रही थी। और इसके साथ ना हम थोड़ा आलू भी डालेंगे, ये देखिए आलू के पास बैठी हूँ इसीलिए, और मैं आपको एक स्वादिष्ट रेसिपी बना के दिखाती हूँ आपको। और बिजली वाले भी आ गए हैं, काम हो रहा है मंदिर पे भी घर में भी, आलू भी हम छील के ऐसे भी काट लेंगे। तो सब्जी को हम धो लेंगे, तो
सयन का सब्जी में हम क्या क्या मसाला डालेंगे वो दिखाती हूँ मैं आपको। एक चम्मच धनिया है, साबुत धनिया, एक चम्मच सरसों है, अपने तीखा के अनुसार लाल मिर्ची मैं 5-7 ली हूँ, यहाँ पे 2 गांठ लहसुन ले ली हूँ, 1/2 इंच का अदरक ली हूँ और 8-10 कली काली मिर्च ली हूँ और 1 चम्मच जीरा। इन सबको हम बारीक पीसेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे बारीक पीस लेंगे। तो शादियों का सीजन चल रहा है तो हमारे जो मिस्त्री आए हैं वो बोल रहे हैं कि शादी में तो सयन नहीं खिलाया जाएगा, शादी वाला टाइप का कुछ बनाइए। तो शादी वाला आलू पलोल बनेगा, कटहल का सब्जी बनेगा। तो देखिए चूल्हा हम जला लिए हैं ना, तो इसके ऊपर कढ़ाई रखते हैं फटाफट और सब्जी हम धो लेंगे क्योंकि पानी में हम डाल के रखे हैं। तो ये देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा धुल जाएगा। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है तो यहीं पे हम ये मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तो ज्यादा करके हम लोग गांव में सरसों का तेल ही खाते हैं, आप लोग कौन सा तेल पसंद करते हैं बताइएगा। तड़का में लिए हैं 1/2 छोटा चम्मच से भी कम मेथी दाना और 2-3 तेज पत्ता तड़का में डाल देंगे। तड़का को अच्छा से भून लेंगे। तड़का हमारा भून गया है, जो मेथी दाना था अच्छा से भून गया है। यहीं पे हम अपना कटा हुआ सयन और आलू डालेंगे। तो दोस्तों मार्केट में ना कई तरीके के सयन आता है, एक तो होता है जो तीता तीता लगता है और एक होता है वो मीठा होता है। तो ये मीठा वाला है जिसका हम लोग सब्जी बनाते हैं। बहुत से दोस्त सोचते हैं कि ये तीखा वाला ही होता है लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो तीखा वाला होता है उसका सब्जी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आप जब भी मार्केट से सयन लेके आएँ, सयन यानी कि डर मिस्टेक जो बोलते हैं इसको, तो उसको ना एक बार दांतों से इसको चबा चबा कर थोड़ा टेस्ट कर लें, उसके बाद बनाएं, नहीं तो आपका सारा मसाला वसाला बेकार चला जाएगा। तो मैं सोची आप लोगों से बता दूँ क्योंकि जानना जरूरी है ये सब बातें। तो मिस्त्री बोल रहे हाँ ना तो कौन ठीक बात, तवा रही तो काम में ख़त्म कर दी सब मेहनत चल गई पानी में। हाँ तेल मसाला लगवे करी। तो देखिए हम 5 मिनट भून लिए हैं, ये ना बिल्कुल अच्छा से भून गया है। देखिए इसमें ब्राउन चिट्टी आने लगे हैं। इस तरीके से भून के आपको तैयार करना है। फिर यहीं पे हम जो मसाला पीस के रखे हैं ना वो डालेंगे। यहीं पे 1 छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और डालने के बाद मसाला के साथ भूनेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट। ये जो बाउल में मसाला लग रहता है ना, इसमें थोड़ा सा हम 1/2 कप पानी डाल के डाल लेंगे कि मसाला भूनने में हेल्प करेगा हमारा। और अच्छे से मसाला को भूनेंगे यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे या जब तक ना भुनाए। आज यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रहेगा। अब चलते हैं खेतों में टमाटर तोड़ लेते हैं। टमाटर हमें इसमें डालना है जब ही जाके टेस्टी बनेगा। तो चलिए टमाटर तोड़ लेते हैं। हमारे नैनो से गाना बज रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सुंदर टमाटर हुआ है दोस्तों, ये देख रहे हैं लाल लाल गुच्छा गुच्छा। तो इनमें से हम टमाटर ले लेते हैं और चलते हैं सब्जी में डालेंगे। तो जो हमारा सयन का सब्जी देखिए मसाले के साथ कितना अच्छा भून रहा है। अब यहीं पे हम टमाटर को काट काट के डाल लेंगे। टमाटर अपने आप गल जाएगा, देसी टमाटर है। यहाँ पे देखिए टमाटर कैसे गलने लगा है, मसाले भी अच्छे तरीके से भून गए हैं। ये देख रहे हैं कितना बढ़िया भून के तैयार हुआ है। ऐसी भूनिएगा आप भी, तरी रखना उतना पानी ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। सयन का सब्जी ना रसेदार ही अच्छा लगता है खाने में। और 4-5 मिनट के लिए हम इसे ढक्कन से कवर करके पका लेंगे।
और इसे आप चाहे रोटी से खाएं चाहे चावल से खाएं, ये दोनों के साथ मजा आता है खाने में। तो मैं बनाऊंगी रोटी और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम धनिया पत्ता लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश है। मैं इसमें बड़ा बड़ा टमाटर इसलिए काटी हूँ कि अलग से खाने में बहुत टेस्ट आता है, इसलिए अगर आपको बड़ा बड़ा टमाटर पसंद ना हो तो छोटा भी काट सकते हैं, लेकिन हम लोग ना इसको जब खाते हैं सयन के साथ तो बड़ा मज़ा आता है। आप इस तरीके से एक बार बना के देखिएगा। हरा धनिया डाल लेंगे ऊपर से, और हमारा सयन का सब्जी बन के तैयार हो गया है दोस्तों। यहाँ पे हम गर्मा गर्म रोटी बना लेती हूँ, जल्दी से रोटी बना लेते हैं। तो बड़ा बड़ा रोटी बना रही हूँ, घर में मिस्त्री लगे हैं तो फिर उनको देखना भी है, इसीलिए जल्दी जल्दी बड़ा बड़ा रोटी बना लेती हूँ दोस्तों। रोटी बना ली है दोस्तों, आपको सर्विंग करके दिखाते हैं। हमारा सब्जी थोड़ा ठंडा हो गया था तो मैं गर्म होने के लिए रख दी हूँ। अब मैं सब्जी सर्व कर लेती हूँ, और रोटियाँ तो बन ही चुकी है गर्मा गर्म। ये रसेदार सयन की सब्जी खा के आप लोगों को मजा आ जाएगा। सब्जी और रोटी बनके दोस्तों तैयार हो गया है, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हमारे गांव में इस तरीके से बनता है, इसमें बहुत कुछ डाल के बनता है, बहुत लोग इसमें अंडा भी डालते हैं, बहुत लोग मछली डाल के बनाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से बनता है। मैं आपको सादा बना के दिखाई हूँ, तो इस तरीके से आप बना के खा सकते हैं अपने घर में, और कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये मैं जा रही हूँ सब करने लाला जी को, लाला जी आ चुके हैं बाजार से, बाजार गए हुए थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं मिलूंगी एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तो लाला जी आपको टेस्ट बताएंगे कैसा लग रहा है। दोस्तों खिला देते हैं, बहुत टेस्टी बना है, कड़वा नहीं रहा है ना? उसी का डर था, तभी तो मैं पहले इसको चूसा तो देख रहा हूँ। मैं इसमें सयन में ना दो चार पेड़ ऐसा है जो कड़वा कड़वा होता है। तो पेड़ पेड़ का भी होता है, सब सजना ठीक नहीं होता है, कुछ सजना बहुत बढ़िया होता है।